अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे काफी सारी न्यूज आती रहती है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक ऑफिशियल बयान सामने आया है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। गाइस, उन्होंने काफी सारी ये जो न्यूज आती रहती है इससे काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो रेलवे के कर्मचारी हैं जो रेलवे के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई कहीं रेलवे प्राइवेट हैंड्स में तो नहीं जा रहा है। तो उसी सबको यहाँ पे क्लियर करने के लिए यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी का एक ऑफिशियल वीडियो क्लिप सामने आया है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आप पहले उसको देख लीजिए एक बार। एक बड़ी चिंता है आज के लोगों को कि सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एक बहुत बड़ी चिंता है और बार बार सवाल भी उठते हैं, विपक्ष भी उठाता है। स्टेशंस को निजी हाथों में दिया जा रहा है कि आप साफ करें, आगे बढ़ें, तो क्या सरकार पूरी तरह से निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है या इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा? क्या प्लान है आपकी सरकार का, आपके नेतृत्व में रेलवे का? श्री मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्लियरली कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। रेलवे इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे सिस्टम्स है, आपका ट्रैक सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का OHE सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स हैं और सब के सब इंटरप्ले करते हैं एक दूसरे से। ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। विपक्ष कई बार इस बात को अननेसेसरी मुद्दा बना के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक जानती है, सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। रेलवे परिवार कैसे आगे बढ़े, आज 12 लाख रेलवे परिवार के मेंबर्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 करोड़ है टोटल रेलवे परिवार, यानी रेलवे के जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, वो सारे के सारे 2 करोड़ है। हमारा टारगेट है ये 2 करोड़ की संख्या 3 करोड़ कैसे पहुंचे, रेलवे का और एक्सपेंशन कैसे हो, क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ मतलब देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डाउन हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जो PM गतिशक्ति का विजन दिया है उसमें भी रेल और रोड और वाटरवेज को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है, तो वो थॉट प्रोसेस है, न कि होलसेल प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। सो जैसे कि गाइस आप लोगों ने अभी अभी यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को सुना, इन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी इनका प्लान नहीं है रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने का ऐसा कोई भी यहाँ पे बयान नहीं है। और इन्होंने ये भी मेंशन किया कि पीयूष गोयल जी ने भी ऐसा कहा था कि ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि रेलवे एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्राइवेटाइजेशन करने का अभी तक यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं है, लेकिन रेलवे को एक्सपेंड करने की प्लानिंग इन लोगों की है। साथ ही जो रही बात थी कि भाई 21 RRB को ये लोग अभी खत्म कर देंगे, तो ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की कोई भी बात यहाँ पे सामने नहीं आई है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कीजिए PMYT। PMYT डिस्काउंट कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही PMYT कोड सारी ही कैटेगरीज के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC, नेट, IIT, JEE, नीट। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों।